Esselamu aleyküm. मैं आपको आवाज आ रही है? मैं आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है। मिन्हा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आ जाए तो मुझे बता देना। बे बोलूमो जमाना नज़वार में आपके पास टाइम है क्या? बितरे जेक थी उसने ख़त्म कर लेना था। गेल में जेक में दिनिस आपने नहीं आना था क्या? अनलाथ माया जागतन तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। हास्ता ले निदैनी ले ओकुला आरा वैर में सईदी। बीमारी की वजह से वो स्कूल में ब्रेक ना लेता, स्कूल की ब्रेक ना लेता, स्कूल से ब्रेक ना लेता या क्लासेस से ब्रेक ना लेता। ओदा आर्खदाशलार गिबी बु यिल ओकुलुनु पितिरे जेकते। उसने भी अपने दोस्तों की तरह इस साल स्कूल की पढ़ाई को ख़त्म कर लेना था। Dün akşamki düğünde size göremedim. Gelmeyecek miydiniz? Kal şamki şadi me mein aapko nahi dekh paya. Aapne aana nahi tha kya? Bence hata ettin. Mere khayal se tumne galat kiya hai. Her şeyi ona anlatmayacaktın. Tumhe sab kuch use nahi batana chahiye tha. Hazırlık çalışması, preparation work. Aşağıda yaşlı bir adamın gençken kurduğu ama yapamadığı hayalleri yer almakta. Nietzsche एक बूढ़े आदमी की जवानी के दौरान सोचे गए चीजें लाए गए ख्यालात बनाए गए क्रिएट किए गए लेकिन उस पे अमल ना कर सका, वो चीज़ें रियलिटी में तब्दील ना कर सका। वो चीज़ें मौजूद हैं। बु हयालेरी रेसिमलेरिन आल्त लारना यरलेष्टिरिलम। इन ख्यालात को तस्वीरों के नीचे लिखते हैं कि कौन सी थी, 1, 2, 3 जो भी। जुमले को पढ़ के उधर नंबर कर देंगे। ई बिर ओकुलदान मेजून ओलाजाक्तम। एक अच्छे स्कूल से मैंने ग्रेजुएट, पढ़ाई की जगह से यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकता है, तो मैंने एक अच्छी पढ़ाई की जगह से ग्रेजुएट होना था। तो ये कौन सी फोटो होगी? ऊपर वाले में से यहाँ से ये है थर्ड। उसके बाद है उनलू भी डॉक्टर ओला जागता। मैंने एक मशहूर डॉक्टर हो जाना था। तो ये कौन सी है डॉक्टर वाली फोटो? वो ये है। उसके बाद चोक फाराम ओला जागते। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होने थे। पैसे कौन दिखा रहा है? ये वाला पर्सन। चिल्गन स्पोलार या पाजागते, क्रेजी स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस आप कह सकते हैं। तो ये नीचे वाली है। उसके बाद है चौक पहालो बीर अराबा आला जाक। तुम एक बहुत महंगी मैंने गाड़ी लेनी थी। इन सब के अंदर जो है ना उसने जो काम सोचा लेकिन कर ना सका, ये वो सारी वो बातें हैं। हर याज तातीले चिका जाक। तुम हर समर में मैंने मुझे वेकेशंस पर निकलना था लेकिन मैं निकल नहीं सका। तो इसके लिए कौन सी फोटो हो सकती है? ये हेलो बात सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आपकी। सॉरी, मैं अच्छा, बोल रही थी अपने माइक के साथ मसला है। जी अभी तक मेरी आवाज आपको आ रही थी ना? जी बस ठीक है। अच्छा, पेशी में पहालो हेदिये लैर अला जाक्तम। मैं अपनी वाइफ महंगे गिफ्ट्स लेना चाहता था। ये आएगी
और अब लास्ट है, çok lüks bir evde oturacaktım. बहुत एक लग्जरी घर में मैंने रहना था. इस तरह से ये 8 सेंटेंसेज है. इन सब के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो मतलब उसने ख्याल बनाए या प्लान्स बनाए, आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको रियलिटी में चेंज ना कर सका. अब यहाँ पे जो है वो 22 साथ यथमी ओरसा, अगर 24 घंटे आपको नाकाफी हो रहे हैं तो उस सूरत में वो आपको स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करें. तो अब आपका माइक चल गया तो आप स्टार्ट करें. Çağımızın en önemli sorunlarından biri zamansızlık. Jo hamari age ke sabse important problems hai, तो wo एज hai को अगर एरा कह लेना तो जी हाँ, हमारे दौर दौर में जो सबसे अहम प्रॉब्लम्स में से एक है वो वक्त की कमी है. जी Kime sorsanız başını kaşıyacak zamanı olmadığından, işlerini bir türlü yetiştiremediğinden şikayet ediyor. Ki aap jisse bhi poochein, wo ye complain karenge ki wo unke paas itna waqt nahi hai ki wo apne sir ko matlab scratch kar चला paaye. सकते. हाँ जी, और वो अपना काम खत्म नहीं कर पाते. इस हवाले से शिकायत करते हैं. जी, और नयन हाँ işlerini bitirmeyen sekreter, biraz daha zamanım olsaydı evrakları hazırlayacaktım. Ki for example, ek sekreteri jo apna kaam nahi finish kar pa rahi, wo kehti hai ki agar mere paas aur zyada time hota, main documents ko prepare kar pati. Yemeğe yetiştiremeyen ev hanımı, misafir gelmeseydi o yemeği pişirecektim. Ek housewife jisse khana nahi असल में bana यतिष्ठिरे में, ये इस सेंस में आएगा कि पहुंचा ना पाना. ठीक है, जी ठीक है. उस जगह पे जिस जगह पे उसको चीज़ को पहुंचना चाहिए या वक़्त पे पहुंचना चाहिए तो उस पे पहुंचा ना पाना. ये तिर तिर में मैक तिरे में मैक असल में उसने कोशिश की लेकिन एक्सटर्नल कोई रुकावट की वजह से. हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, येथेन एक्लेयर पढ़ी थी, उसमें ओलुमलु बीर था जिसमें 100% होता था कि वो काम आप कर सकते हैं. ओलुमलु जिसमें था, ओलुमसुस बीर में ये था कि आप 100% वो काम नहीं कर सकते, आप उसके करने में कामयाब नहीं हो सकते, तो आप ओलुमसुस बीर इस्तेमाल करते हैं. और जिसके अंदर पॉसिबिलिटी हो के आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसमें आप फिर क्या करते हैं, उसमें आप वो करते हैं ये तिश्तिरे में ये बिलीर, ये तिश्तिर में ये बिलीर. ठीक है, ये जो ये तिश्तिरे में है ना, ये है ओलुमसुजबीर जिसमें 100% होना कि वो काम नहीं कर पाया या कर पाए या कर पाएगा इवन, ये भी हो सकता है. जी मिसाफिर कि अगर गेस्ट ना आते, मैं उस खाने को बना लेती या पका पका लेती. लेती. जी, İstediği üniversiteye kazanmayan öğrenci, bir yıl daha hazırlamaya zamanım olsaydı tıp fakültesinde okuyacaktım diyor. Aurek aisa student jo university mein nahi ja paya, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया, उसमें एडमिशन नहीं हासिल कर पाया. खजानमक यहाँ पे इस सेंस में आता है कि उसमें एडमिशन हासिल करना. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो चाहत की यूनिवर्सिटी थे, जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता था उसमें ना जाने वाला, उसमें उतने मार्क्स ना ले पाने वाला स्टूडेंट जो है वो क्या कहता है, मेरे पास 1 साल तैयारी के लिए और अगर होता तो मैं मेडिकल फैकल्टी में मैंने पढ़ना था, ऐसा कहता है. जी, bu tür yakınmaları
çevrenizden sıkça duymuşsunuzdur. Ki apne ऐसी complaints काफी सुनी होंगी. बिल्कुल अक्सर सुनी होंगी। İşte hayatı 24 saate sıkıştırmayanlar keşke Derim ayağı gün नहीं है, तेरा मयान है। तेरा मयान इन होता है कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं करते, तेरा मयान है कि आप करना चाहें भी तो नहीं कर पाते, कोई रुकावट आ जाती है उसमें। Keşke gün 24 saatten fazla olsaydı. Ki जो लोग वो कहते हैं अपनी सारी लाइफ 24 आवर्स के अंदर नहीं स्क्वीज कर पाते, वो कहते हैं कि काश जो एक दिन है वो 24 आवर्स से ज्यादा होता. Diyenler için bir psikoterapistten tavsiyeler. İn ऐसे लोगों के लिए एडवाइस ऐसा कहने एडवाइस वालों के लिए एक जी साइकोथेरेपिस्ट जो है उसकी तरफ से सजेशंस। जी Elinizde bir kağıt kalem alın ve düşünmeye başlayın. Apne hat mek pencil or paper lein यह तो और बड़ा वैसे आइडियल। मैंने बहुत सारे लोगों को जिनके साथ मैंने काम किया है ना, जो मेरे से मतलब हायर लेवल पे होते थे, उनका तरीका कार यही होता था कि उनके पास पैड होता था, वो अपने पूरे दिन की चीज़ें प्लान करते थे कि आज मैंने ये वाली चीज़ें करनी है, और उसको इस तरह से भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात के उसको ऑर्डर भी कर लेते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये उससे कम इम्पोर्टेंट है ये उसके, और बाज़ औक़ात कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो तो उसके अंदर वो ये भी लिख लेता है कि मुझे इस काम को दिन के इस हिस्से के अंदर अंदर करना है। तो क्या करते हैं कि बाज़ मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे काम कर पाएँ, इसके अंदर भी वो बात करेगा, तो उसमें से जितने काम कर पाएँ उनको क्रॉस करते जाते हैं और जो रह जाएँ उनको, और वो इस तरह से प्रायोरिटी सेट करते हैं। सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन उसमें से प्रायोरिटी किसकी है, कि अगर फॉर एग्जांपल उनमें से कोई काम मैं आज ना करूं तो क्या काम चल सकता है, तो अगर ऐसा हो तो वो उसको डिले कर लेते हैं, जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे चीज़ें होती हैं उनको फ़ौरन करके, तो जो 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 काम ना कर पाए उसको फिर नेक्स्ट डे की अपनी जो डायरी है उसके अंदर वो शिफ्ट कर देते हैं कि इसको मैं नेक्स्ट डे करूँगा। जी इवन ये लोगों के पास हम तो मतलब नहीं करते ऐसी चीज़ें, लेकिन ये है कि ये जो डायरी बनी होती है ना, पाकिस्तान में भी डायरियां बिकती हैं, उसका असल में मेन फंक्शन यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग होते हैं वो अपनी डायरी के अंदर लिख लेते होते हैं कि जी मुझे फॉर एग्जांपल आज से 2 महीने बाद जो है ना वो ये एक काम करना है। तो अब जो एडवांस दौर आ गया तो अब क्या होता है कि हम अपने मोबाइल के अंदर कैलेंडर के अंदर लिख लेते हैं, कि कैलेंडर को ओपन करते हैं उसके अंदर टास्क या मतलब गोल्स वगैरह जो है वो आप मेंशन कर देते हो, आप जिस दिन वो आता है टाइम तो आपको मॉर्निंग में ही आप मतलब टाइम भी सेट कर सकते हो, इवन कि इस टाइम पे जी मुझे ये रिमाइंडर दे दो कि मैंने ये काम करना। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो ये जो सारी सजेशन कह रहे हैं अगर ये कर ली जाए तो बड़ी चीज़ें आसानी आ सकती है ज़िंदगी में। पढ़ें आगे। Öncelikle hafta boyunca, daha sonra gün boyunca zamanınızı en नहीं, fazla पहले nerede? वाले की ट्रांसलेशन करें ना, ये जो एलिनीज़े बिर खात कलम अलन ve düşünmeye अच्छा, başlayın, मेरे शायद सुनी नहीं है, दोबारा कर दें। एक अपने हाथ में एक पेपर और पेन लें और कहते हैं सोचना स्टार्ट कर लें. अंजलि बाशलायन के अंदर ग्रामर कौन सी लगी है? गुड, एमिर की भी सिर का गुड। और सिज गोल की अमीर की से भी है, ठीक है, गुड। जी. आगे। अंजलि हafta boyunca, daha sonra gün boyunca zamanınızı en fazla nerede harcıyorsunuz? Anlamaya çalışın. Ki pehle aap matlab sochein ki aur understand karne ki koshish karein ki aap most apna time kahan par spend karte hain.
week के दौरान, और फिर उसके वीक के बाद दौरान, दहा सोनरा, उसके बाद फिर दिन के दौरान अपना सबसे ज्यादा टाइम आप कहाँ पे खर्च करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आगे। जी खोजा बir hafta ne yaptım? Bunları yaptım ama asıl yapmak istediklerim bunlar mıydı? Mene is past week Koca bir mene kya hafta ne yaptım? İsका क्या मतलब है? किए? और ये जो बड़ा वीक है हाँ उसमें हाँ क्या किए? मतलब एक वीक जो होता है ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, अगर जी आप उसको प्लान करके अकॉर्डिंगली चलें तो काफ़ी टाइम होता है, लेकिन हम जब प्लान नहीं करते चीज़ों को डिले करते रहते हैं तो उस सूरत में जो है ना वो टाइम ऐसे गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। तो जी वो उसने पहला सवाल किया है कि एक इतना बड़ा वीक जो था उसमें मैंने क्या किया, इन इन कामों को मैंने किया है, लेकिन क्या असल में जो मैं करना चाहता था यही थे या कुछ डिफरेंट थे, मतलब ये सवाल अपने आप से पूछे कि क्या यही थे आगे। Geçtiğimiz hafta boyunca yapmak istediğim hangi önemli işleri bu türlü yapamadım? Jo kehte past week tha, kya cheeze main karna chahti thi aur maine kyun nahi kar payi? Gibi sorularla liste hazırlayın. İsterim ki questions se aap ek list banayın. Kadın bir yüzünü yapmak istedikleriniz ama yapmadıklarınız, ikinci yüzü yaptıklarınız ve yaparken gereksiz yere zaman harcadıklarınız şekilde olsun. Jo Paperhouse ki ek site par aap wo cheeze likhe jo cheeze aapne karni thi magar aap nahi kar paaye, aur jo second side hai uske upar aap aisi cheeze likhe jo आपने की थी और आपने उसके ऊपर अननेसेसरी टाइम स्पेंड किया था उसको पढ़ते हुए. करते हुए गैर ज़रूरी जगहों पर आपने वक्त खर्च किया, ऐसा लिखा हो याजल ओलसुन आगे। Gözünüzle zamanın nerelere gittiğini fark edince zamanı yönetmeye olan heviniz artacak. Ki bu cevap realize karenge ki टाइम कहाँ जा रहा है अपनी आंखों से. जो आप अपनी आंखों से खुद इसको रियलाइज करेंगे तो जो आपका इंथुजियाज्म होएगा टाइम को मैनेज करने के लिए वो इंक्रीज करेगा. चालीसान da olsanız ev hanımı da olsanız fark etmez. Even अगर आप work करते हैं या तो अगर आप कोई housewife हो मतलब ये नहीं मैटर करता. अच्छा, हर यहाँ पे गुण जो है ना मतलब जाहिर है ये हर जगह पे चलने वाली टर्म है, लेकिन फीमेल्स जो हाउसवाइफ्स हैं अगर उनसे पूछें तो वो इस चीज़ को बड़ा नापसंद करेंगी कि हमारे काम को काम ही नहीं समझा जा रहा। हाउसवाइफ भी तो घर को मैनेज कर रही होती है ना, चीज़ें काम बहुत सारी कर रही होती हैं, तो वो उनके सामने ये जुमला बोले ना कि आप अगर वर्कर हैं या हाउसवाइफ हैं, तो वर्कर और हाउसवाइफ यानी काम करने वाले असल में, तो घर वाले घर में रह के भी तो काम ही होता है ना, तो उनको ये बड़ा बुरा लगे कि भाई हमारे काम को काम नहीं समझा जा रहा और जो जॉब्स जॉब्स करते हैं बाहर उनके काम को काम समझा जा रहा है। जी बहरहाल वो कह रहे हैं कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब होल्डर हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हर गün için yapılacaklar listesi hazırlayın. आपको हर दिन के लिए एक to-do list prepare करनी चाहिए. ama listeniz makbul bir liste olsun. हाँ, मगर जो आपकी ऐसा ना हो कि list आपने जो है ना वो 1,000 काम लिख लिए हो और कर आप 4-5 भी ना पाए, ये अगर जी आप ऐसा करेंगे तो उस सूरत में आपको उससे फायदा होने के बजाय नुकसान होगा, क्योंकि उससे आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। आपने मतलब रियलिटी बेस्ड प्लान करना है कि फॉर एग्जांपल ये 6-7 काम है ये मुझे आज के दिन में हर हाल में करना है। बाज़ औक़ात मैंने काम बहुत सारे किए होते हैं दिन में, लेकिन मुझे दिन के एंड पे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह क्या होती है कि मैंने जो
प्लान किया होता है कि मुझे आज के दिन में ये कर लेना चाहिए, खास तौर पे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वो जब नहीं कर पाता हूँ बाकी घर के काम ये वो क्लासेस, तो उस सूरत में मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया आज के दिन में। तो ये चीज़ जो है ना, माकूल भी लिस्ते ओलसुन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब वो लिस्ट बनाएंगे ना, तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको, उसमें से कामों को 100% नहीं तो 80% तक जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे। माकूल लिस्ट होना ज़रूरी है, हफ्ते पूरे का काम एक दिन पे नहीं डाल लेना। आगे Yapabileceğinizden fazlası yazıp listenin gerisinde kalmaktansa aşırı ideal olmayan ama makbul listeye başlayın yine yeni güne. Ki instead of ki आप बहुत सारी चीजें लिखें और फिर आप आधी चीजें करना ना करें, आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो रीजनेबल है और जो बहुत ज्यादा ओवरली आइडियल नहीं है. Ve her akşam listenizin ne माकूल kadar bir ve listeyle başlayın yeni güne. Yeni güne ki मतलब आप नए दिन को इस तरह से स्टार्ट। neydin C. आगे Ve her akşam listenizin ne kadarını yayına getirdiğinizi kontrol edin. Or her evening आप चेक करें कि आपने लिस्ट से कौन सी चीजें की हैं. Yapmadıklarınız हakkında düşünün. Or जो चीजें आपने नहीं की उसके ऊपर आप थोड़ा सोचें. कैंडिडेट से neden yapmadım? Apne aapse ki maine kyun nahi kiya? Benimle ilgili nedenlerden dolayı mı yoksa hesap edemediğim ayrıntılardan dolayı? Ki meri kisi aur vajah matlab kisi aur vajah se hue ya to isliye kyunki main sahi se usko wo kehte hain matlab main usko sahi se मतलब उसको प्रिपेयर नहीं किया था उस वजह से. हाँ, उसको मैंने सही तरह से उसकी डिटेल्स जो हैं वो नहीं मेंशन की थी, जिस जी वजह से ये ऐसा हुआ। दिए सोरुन इस तरह से अपने आप से पूछें. एğer हिसाब edemediğiniz ayrıntılar her akşam dikkatinizi çekiyorsa planınızda olmayan işlere çok zaman ayırıyorsunuz demektir. Agar aap apni jo wo kehte hain agar to aap apni kehte hain attention nahi calculate kar pa rahe to iska ye हिसाब matlab edemediğiniz ayrıntılar, जिनको आपने फोर, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ऐसी डिटेल जिनको आपने फोरकास्ट नहीं किया होता, आपने कैलकुलेट नहीं किया होता, हर शाम वो अगर आपकी अटेंशन गेन कर रही है तो आपके प्लान में ना होने वाले जो काम है वो, उनके लिए आप बहुत ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है। जी. Ana gelen teklifler başka insanların ricaları ve şey Vesaire vesaire vesaire. vesaire ki जो sudden offers होती हैं और बाकी लोगों की request होती हैं. वे बे जो होते हैं ना, वे बेंजरे, जी ठीक है, उसी तरह से वेसायरे का मतलब होता है वगैरह वगैरह। जी ठीक है. Bu durumda birilerine hayır demeye ve benzeri başlamanız आप कह सकते हैं उससे मिलती जुलती, जिस तरह बेंजरी बेंजेथमैक हमने पढ़ा हुआ ना, उससे मिलती जुलती, जी वेसायरे वगैरह वगैरह demeye आएंगे। başlamanız gerekir और इस सिचुएशन में आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आप और लोगों को ना नहीं बोलें. Diyelim ki evinizi temizlemek नहीं için नहीं her नहीं 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 आप ट्रांसलेशन थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं, ये आखिरी जुमले की ना, आप एक तो पिछले का उसको करें ना, आनी गिलैन तकलीफ है, जो अचानक से आने वाली ऑफर्स हैं, बाश का इंसान लारन रिजाल और दूसरे लोगों की जो रिक्वेस्ट हैं, बस है तो तो वो दुरुमदा वे सारे इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर कुछ लोगों को आपको ना कहना जरूरी है। जी ठीक है. यानी
ना कहना शुरू करना जरूरी है। दे में हायर, दे में ये का मतलब वो नहीं है, मतलब ना कहना नहीं है बल्कि कहना है, ये कहना शुरू करना जरूरी है आपके लिए। Diyelim आगे ki evinizi temizlemek için harekete geçtiniz. Mesela let's say ki apne ghar ko saaf karne ke liye aap khade hue hain ya apne start kiye. O sırada bir arkadaşınız aradı ve kahve içmeye davet etti. Us moment pe aapke kisi friend ne call kiya aur unne aapko invite kiya coffee peene ke liye. इस पैराग्राफ के एंड तक जाएंगे हम, उससे आगे नहीं। आगे Bugün olmaz işe başladım. Yarın gelirim dersiniz ve yarınki listenizi arkadaşlarınızla kahve içmeye de eklersiniz. Gününüzü planlamış olursunuz. Agar aap unko ye keh den ki aaj nahi aa sakti, maine abhi kaam start kiya hai to main kal aa jaungi. Agar aap ye keh den to phir aur aap ye keh den aur jo aapki kal wali list hogi uske andar aap ye ऐड कर लें कि आप अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाएंगे तो फिर आप अपना डे को प्लान कर लेंगे मतलब प्लान कर पाएंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इसे आगे कल करेंगे। जी ठीक है